आप लोग कैसे हो, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो स्टूडेंट, जो हमारा लेक्चर चल रहा था तो उसी के श्रृंखला में आज हम एक नया लेक्चर लेकर आ रहे हैं। लेक्चर 13 है और लेक्चर मैंने 13 में क्या करना है, मुझे लेक्चर नंबर 13 में मुझे ये करना है कि आज कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बिकॉज लेक्चर नंबर 12 तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, लेक्चर नंबर तब तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और उसकी इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, और अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज हो और उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है इक्वल टू 1/4πε0Q/r2। तो लर्न कर लो फार्मूला भी से बच्चों कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है उसकी जो इंटेंसिटी का फार्मूला बनता है इक्वल टू 1/4πε0Q/r2 होता है। और आज के इस लेक्चर में क्या करना है, इक्वल टू 1/4πε0Q/r2 से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर आप इस लेक्चर को डायरेक्टली देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए, प्रीवियस लेक्चर में जाइए सबसे पहले, यानी कि लेक्चर नंबर 12 देखिए आप, और लेक्चर नंबर 12 देखने के बाद तब आप इसको आएंगे पढ़ेंगे तो आपको 100% पूरा समझ में आएगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पोर्शन तभी क्लियर होता है बच्चों जब आपका थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर हो जाए, यानी कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आप फिल करिए। तो लेक्चर नंबर 12 को देखिए क्योंकि उसको देखना बहुत जरूरी है, तब आप लेक्चर नंबर 13 को देखिएगा। और अगर आप अभी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज क्या करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्टार्टिंग से लेकर, या जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर के, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज से लेकर के आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक का लेक्चर डाल रहे हैं, इसके आगे भी सभी लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। प्लीज मैं चेक करिए तो आपको पूरा लेक्चर मिलेगा। तो इसलिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, और बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो, कोई बात नहीं है, और चैनल के लिंक को शेयर भी करिए। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो स्टूडेंट, जैसे जब आपने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक फोर्स में मैंने बताया था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम वैसे ही यहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो बच्चों, यहां पे मैं क्या करूंगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा, आप समझ जाइएगा एक ही चीज बोलूंगा, वो क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं बार बार बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या समझेंगे जनरली कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना चाह रहा है, जो भी कोई बता रहा है किसके बारे में बताना चाह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और उसका फॉर्मूला आया था इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यूनिट क्या हुआ था उसका, न्यूटन पर कूलम। ओके, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुपरपोजिशन का मैंने मतलब बताया था कि आपके पास ग्रुप होगा, आपके पास एक समूह होगा किसका, चार्ज का, और उस चार्ज का समूह होगा, वो चार्ज रखे रहेंगे, वो पे क्या करेंगे अपने रीजन में अपने चारों तरफ एक क्षेत्र पैदा करेंगे, और उस क्षेत्र पर अगर आप कहीं पर भी इंटेंसिटी को चेक करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा उसी के बारे में बताना है। तो पहले इसको समझते ध्यान से, मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है और ग्रुप किसका है, चार्ज का ग्रुप है, और उसमें जो चार्ज है स्टूडेंट Q1 Q2 Q3 एंड सोन Q1, ध्यान समझिएगा, आपके पास जो ग्रुप ऑफ चार्ज किसका है, Q1 Q2 Q3 एंड सोन Qn है, और इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, A1 A2 E3 एंड सो एन एन, ये है। तो अगर मैं ध्यान समझिएगा, आपके पास एक ग्रुप ऑफ चार्ज है Q1 Q2 Q3, और इसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है E1 हो रहा है E2 हो रहा है E3 हो रहा है और EN हो रहा है।
तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप क्या करना है, आपके पास जो लोकेशन है उस लोकेशन के जो चार्ज जिस लोकेशन में रखा गया होगा, जिस रीजन में होगा, उस रीजन में किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इंटेंसिटी चेक करना है एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, वो जितने भी चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए हुए हैं, उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। यानी कि वेक्टर इज इक्वल टू, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा क्या होगा, वेक्टर ई वन प्लस इससे क्या पैदा हुआ था, ए टू। इनका स्टूडेंट अल्जेब्रिक सम नहीं होता है, इनका होता है वेक्टर सम। यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द अदर चार्जेस एज द क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एंड सो ऑन एट लास्ट क्यून। तो इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुपरपोजिशन का मतलब आप याद कर लो बच्चों, पहले क्या होता है सुपरपोजिशन का मतलब, जुड़ना, ठीक है, मिलना, सुपरपोज होना। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कब लगता है, जब आपके पास बहुत ढेर सारे चार्ज हो, ग्रुप ऑफ चार्ज क्या है, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री। अब एक्चुअली में किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनी क्या, सपोज कर ले ए टू, ऐसा सपोज करता है ई एन हो गया। हमने कहा कि ये जो चार्ज है जिस फील्ड में रखे होंगे उस फील्ड के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जो अदर चार्ज है उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसके वेक्टर सम के इक्वल हो गया। तो इसी को बोलते हैं बच्चों सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर ई वन प्लस वेक्टर ई टू प्लस वेक्टर ई थ्री प्लस एंड सो ऑन एट लास्ट वेक्टर ई एन। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज व्हाट सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नोट डाउन इट एंड सॉल्व द एनसीईआरटी प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद करवाते हैं क्वेश्चन। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, वो एनसीईआरटी से लिया गया है, लेट्स ए न्यूमेरिकल। क्वेश्चन को पहले समझते हैं बच्चों यहां पे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक सिस्टम है, और यानी ये कह सकते हैं कि एक आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट ए है और इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है वो 3 माइक्रोकूलम से पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दीजिए। और एक पॉइंट यहां पे बी है, ये पॉइंट क्या है, बी है, और पॉइंट बी पे आपका जो चार्ज रखा वो नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, वो कितना है, -3 माइक्रो कूलम, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट, इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट है क्या बच्चों यहां पे, सी। फिगर में मिड पॉइंट क्या है, सी है, बहुत ध्यान समझिएगा, फिगर मिड पॉइंट क्या है, सी है। ओके, तो अब यहां पर ध्यान समझो, हमने कहा कि अगर किसी भी पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे अगर या कहीं पर भी निकाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक बार ये चार्ज पैदा किया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पैदा किया होगा, और एक बार ये चार्ज कर दिया होगा क्रिएट। लेकिन बस डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ये देखो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका दिशा कहां होगा, बाहर, हमने बताया था प्लस से कहां होता है, बाहर। तो इसकी वजह से मैंने क्या सपोज कर लिया, E1 है, E1, तो E1 कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4π0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू कितना है, 3 माइक्रो कूलम। देखो ये पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, क्यू अपॉन आर स्क्वायर,
इवन इक्वल टू यहां पे कितना होगा 9 × 10⁻। इसका डायरेक्शन राइट कर दो, डायरेक्शन क्या है A to C या कह सकते हैं C to B ऐसा बोल दे, ठीक है। तो Q कितना है 3 μC, तो 3 × 10⁻⁶। देखो ये मिड पॉइंट है, तो यहां पे 20 था, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 cm। तो 10 cm है, इसको चेंज करो मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 10 × 10⁻²। अब 9 × 3 = 27। देखो यहां से ये आपका 10⁻¹ बचेगा, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻², ऊपर जाके कर देगा प्लस 2, तो 9 × 11 × 6 कितना हो जाएगा 5, तो 10⁵। ये आ गया इवन। अब यहां पे माइनस क्यू चार्ज है ना, तो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा होगा, उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं E2, लेकिन दिशा किधर होगा? हमने कहा था नेगेटिव चार्ज से कहां होता है अंदर की ओर, तो नेगेटिव चार्ज से कहां होगा अंदर की ओर। देखो E2 क्या हो गया, अंदर की ओर हो गया। देखो चार्ज उतना ही है, चार्ज क्या है उतना ही है, बस फर्क क्या है डिस्टेंस भी सेम है, बस फर्क ये था बच्चों कि दिशा बदल रहा है, तो E2 भी सेम आएगा 27 × 10⁵ N/C, 10⁵ N/C। दिशा किधर होगा भैया A to C होगा। अब सुनो E1 भी एक ही तरफ है और E2 भी क्या है यार एक ही तरफ है ना, E1 क्या है एक ही तरफ है, किसके E2 की तरफ। तो जब दोनों इंटेंसिटी एक ही तरफ जा रही हैं, तो उनको क्या कर दो ऐड कर दो, पावर पुल और हो जाएगा ना। अरे भाई हम खड़े हैं, कोई इधर से 10 N से फोर्स लगाया, 10 इधर और लग गया, तो अब मुझ पर कितना फोर्स लगेगा 10 × 10 = 20 लग गया। यानी कि अगर फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वन डायरेक्शन में जा रहा हो, एक ही दिशा में हो, तो उनको ऐड कर देना, वही हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 + E2। E1 कितना सेम है, E2 भी क्या सेम है, तो ऐड कर लो 27 × 27 कितना हो जाएगा 54, 10⁵। अच्छे से कर दो इसको, तो 5.4 × 10⁶ N/C। ये हो गया, ठीक है। थर्ड सम में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया नेट 5.4 × 10⁶ N/C। इसको भी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ठीक है, तो ये हो गया 10⁻¹ हो गया, ठीक है ओके। 10⁻¹ ऊपर गया 2 हो गया, प्लस हो गया 11 × 11⁻¹ कितना 5, ठीक है करेक्ट। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ध्यान देना इसकी दिशा किधर है, किधर है भाई सी से बी की ओर ना, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी दिशा किधर आई है सी से बी की ओर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या रहा है कि इफ 1.5 × 10⁻¹ चार्ज प्लेस्ड एट से, यानी कि अगर इतना चार्ज मैं इस पे रख दिया जाए तो उस पे फोर्स कितना लगेगा। अब बताओ इसे फोर्स कौन लगाएगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। अब इस चार्ज पे जो यहां पे रखा जाएगा उस पर कौन फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या लगता है F इक्वल टू क्यू, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू किसकी वजह से फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू होता है। इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, टेंशन ना लो, इसी पे बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अब ये राइट कर दो 1.5 × 10⁻¹ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना है 5.4 × 10⁶ मल्टीप्लाई करो 15 × 4 = 16, 0 कैरी कितना है 6, 15 × 5 = 75, 75 × 6 कितना हो जाएगा 81, डेसिमल की जगह पे 2 लगाओ, ठीक है।
अब यहाँ पे 9-6 कितना आ जाएगा, इतना न्यूटन। तो डियर ये क्या आ गया आपका, फोर्स आ गया और ये क्या पैदा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आया होगा, आपके पास दो चार्ज था यहां पे और यहां पे, मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन क्या था, उल्टा था इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इवन मैंने निकाल दिया, सब देखा कि यार मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये भी सब सेम है, तो इवन क्या होगा, ए2 की वजह से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इवन ए2 क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने इवन ए2 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहे थे, एक ही दिशा में आए। तो अगर याद कर दो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में जाए उनको ऐड कर दो, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो उनको क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, तभी आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। अब इसमें मैंने कहा था फोर्स लगेगा कितना, जो चार्ज यहाँ पे रखा गया है, ये देखो कितना चार्ज रखा गया यहाँ पे, तो फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला एफ इक्वल टू क्यू ए होता है। फोर्स का फॉर्मूला एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ए होता है। बस इजीली सॉल्व कर दिया, एफ इक्वल टू क्यू ए, क्यू यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो गया, तो न्यूटन आ गया, 8.10 × 10⁻³। ओके, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि यहां पे ट्रायंगल है, यहां पे क्या है, ट्रायंगल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, सी है। तो इस पे चार्ज है 1.2 × 10⁻¹ कूलम और पॉइंट बी पे गया है कुछ चार्ज रखा गया है, वो कितना, 1.6 × 10⁻¹ कूलम। ट्रायंगल एबीसी था, ठीक है, और यहां पे चार्ज 1.2 × 10⁻¹ कूलम, यहां पे कितना है, 1.6 × 10⁻¹ कूलम। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इनका डायमेंशन दिया गया है, ये 3 सेंटीमीटर, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली मुझे पता चल रहा है ये कि एक्चुअली में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पे जो एंगल बन रहा होगा ये इतना, तो कितना डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री, पता चल गया क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, इसके इक्वल हो ही जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में इंटेंसिटी, एड सी यानी कि एसी कितना होगा, एसी बच्चों कितना होगा, आपसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान समझते हैं हम, एसी कितना होगा, अच्छे से रीड करते हैं। ये देखो प्लस चार्ज है ना बच्चों, ये क्या कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो इसकी वजह से देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो जाएगा यहां पे, वो क्या हो गया, E1। ठीक है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो गया, बाहर हो गया। अभी भी प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज तो हो नहीं सकता, सॉरी बच्चों ये नेगेटिव चार्ज था, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अभी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, नेगेटिव वजह से कहां हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। अच्छा ये बताओ कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है ऐसे जब जाता है, जो ऐसे जाती है बच्चों, उसके पूरा एंगल कितना होता है, 180। अगर ये 90 है तो कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 90। तो रिजल्टेंट जो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, वो कहीं ना कहीं 20 से ही आएगा ऐसा ना, इसी पे तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। देखो बच्चों याद कर लो, अगर आपके पास सपोज करो एक वेक्टर क्वांटिटी ए है और ए वेक्टर क्वांटिटी क्या है, बी है, और ये राइट एंगल पे हो, ठीक है, राइट एंगल मतलब यानी कि कैसा बना रहा हूं, समकोण, 90 अंश का कोण बना रहा हूं यहां पे,
तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वेक्टर आर होता तो है, देखिए उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड की बात करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे जो इवन आएगा सर, पहले इवन निकालो, इवन कितना होगा 1/4π/q/r2। तो 1/ कितना होता है 9 × 10⁻⁹ होता है, q/r2 क्यों कितना है ये पूरा इतना, r कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करो पहले 3 × 3 = 9 और 10⁻²² होगा उसका 10⁻⁴, ये क्या हो गया पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो 1.2, अब देखो -4 पर आएगा, देखो +4 9 कितना 13, 30 -8 कितना हो जाएगा 5, ये हो गया E1। नौ E2 चेक कर लो ऐसे बच्चों, E2 ठीक है, E2 कैसे होगा ध्यान समझते हैं वो भी चीज, बस ये हो गया। तो 9 × 10⁹ तो होगा ही, q/r² क्यों कितना है 1.6 × 10⁻⁸, अब ये कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4×4 = 16 हो जाएगा × 10⁻⁴। अब देखो डेसिमल में यहां से खत्म कर रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं और ये कट जा रहा है, यहां पे कितना आ गया 10, एब्सोल्यूट यहां पे 10 आ गया। तो E2 = 9 × देखो अब यहां समझिएगा 9 यहां पे है 8 यहां पे, तो 10 बचेगा और 10 ये भी क्या हो गया खत्म हो गया, तो ये ऊपर भेजो तो आ जाएगा 9 × 10⁻⁴। अगेन ध्यान दे रहे हैं 9 − 8 एक 10 बचेगा और ये 10 क्या हो गया खत्म हो गया 10⁻⁴ हो गया, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁴। इसको बेटर कर दो अच्छे से तो ये हो जाएगा 0.9, बढ़िया बना दो अच्छे से इतना न्यूटन पर कूलम। तो यानी कि जो E2 आया हमारा E2 = 0.9 10⁵ न्यूटन पर E1 आ गया और ये क्या आ गया E2 आ गया। तो अब आपको क्या करना है EC निकालना है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पे है 90 पे है, तो फॉर्मूला क्या होता है E1² + E2²। तो E1 तो ये है पूरा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1.2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 1.2 का स्क्वायर करो कितना आएगा भैया 1.44 × इसका स्क्वायर होगा ऐसे ही आप देख कर दो यहां पे फिलहाल चलो 10⁻⁰ + ये हमारा है, इसका भी कितना होगा 0. इसको मैं थोड़ा साफ साफ यहां पे अलग कर देता हूं 0.81 × 10⁻⁰ इसी। तो 10⁻⁰ को कहां करके बाहर निकाल दो 10⁻⁵ हो जाएगा यहां पे 1.4 × 0.81 तो कितना हो जाएगा 4 × 1.5 = 12 × 1.12। तो 10⁻⁵ स्टूडेंट ये बच्चा कितना हो जाएगा 1.5। तो एसी का टू आ गया 1.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एसी का टू 1.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये जो बच्चों का क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको नोट कर लेते हैं और फिर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी आप सब लोग को देते हैं करने के लिए, उसको करिएगा, फिर अगर नहीं आता है तो आप क्या करिएगा हमें बताइएगा। ओके क्वेश्चन बच्चों ये है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है सी हो गया 0.1 मीटर 0.1 मीटर
कुछ ये क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा, ट्राई करिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे कैसे करना है। ध्यान समझिए, ये एक ट्रायंगल बना, उसकी सभी साइड कितनी है, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज है 10^-8 कूलम, यहाँ पे -10^-8 कूलम, यहाँ पे प्लस, वहां पे क्या है, माइनस है। आपको निकालना है इंटेंसिटी एट बी कितना होगा और इंटेंसिटी एट ए वो कितना होगा। तो मैं आपको समझा रहा हूं कैसा लगेगा। जैसे देखो यहां पे जो पॉइंट बी, इसका डिस्टेंस यहां पे दिया है, तो यहां पे एक बार इसकी वजह से इंटेंसिटी जाएगा तो कहां आएगा, अंदर आएगा, तो उसको क्या सपोज कर लोगे, इवन, ठीक है, सॉरी प्लस है यहां पे ना, प्लस प्लस प्लस। तो क्या करना है, एक बार प्लस की वजह से इंटेंसिटी बाहर हो जाएगा, एक बार इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, अंदर। तो इवन इटू निकाल लीजिएगा, अब एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो हमने बताया अभी आपसे कि जब इंटेंसिटी का रिएक्शन विपरीत होता है, एक इधर जाए और एक इधर जाए, तो उनको क्या कर दिया करो, सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, उनको कभी ऐड मत करना, ठीक है। तो क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ज्यादा वाले में से कम वाला सब्ट्रैक्ट कर देना, आपको पता है सब बात। तो अगर यहां पे इंटेंसिटी बी निकालना है एट पॉइंट बी पे, तो एक बार इसकी वजह से इंटेंसिटी निकालो इवन, एक बार इसकी वजह से निकाल दो, ठीक है, इसके बाद इवन में से इटू को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। आपको ईए निकालना है, ईए, तो ईए अगर निकालना है तो क्या करो, प्लस चार्ज है ये कहां हो गया, बाहर, माइनस चार्ज है ये क्या हो जाएगा, अंदर। यहां पे ईवन और ई2 दोनों क्या हो रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो यहां पे क्या कर देना, ऐड कर देना। लेकिन यहां पे मैंने क्या कहा था कि ईवन इधर है और ई2 कहां है, इस तरफ है, तो वहां पे ऐड करना। लेकिन यहां पे क्या करना है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करना। और ईवन ई2 कैसे आएगा, आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, ईवन इक्वल टू 1/4π0 q/r2, चाहे इवन निकालना हो या फिर ई2 निकालना हो, ई2 के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करना 1/4π0 q/r2। फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में उसको समझाएंगे। ओके, थैंक यू।